सब्सक्राइब कीजिए व्लॉग्स विद जिनी को, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कीजिए जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं अपना लंच रूटीन। तो लंच में हम बनाने जा रहे हैं आज आलू बैंगन की सब्जी और अरहर की दाल, जिसको हम तूर दाल भी कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक छोटे ग्लास तूर दाल ले लिया है। देखिए ये मेरा छोटा सा ग्लास है, इसी से मैं नाप के, मुझे अंदाज़ है, इसी से मैं नाप के दाल और चावल बनाती हूँ। तो मैंने यहाँ पे दाल ले ली है। अब इसको हम अच्छे से धुल के लाते हैं। धुल दिया है मैंने आरओ के पानी से। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे। यहाँ हमने एक ग्लास पानी डाल दिया है। इसके साथ हम डालेंगे नमक। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डालिए। यहाँ पे हमने दो से ढाई चम्मच नमक ले लिया है। अब ये देखिए चटनी है मेरे पास, ये लाल चटनी। इसको ज़्यादातर यूज़ हम करते हैं दाल बनाने में। कभी अरहर की दाल बनानी होती है या कोई और भी दाल बनानी होती है तो उसमें हम चटनी का यूज़ करते हैं। आपको मेरे चैनल पे इस चटनी की रेसिपी मिल जाएगी, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। इस चटनी को डालने से दाल बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। और सबसे लास्ट में हम यहाँ ऐड करेंगे हल्दी पाउडर। ये लहसुन और मिर्ची की चटनी रहती है और आप दाल में डालेंगे तो दाल का टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है। अब हमने गैस ऑन कर दी है। अब हम कुकर को कवर कर देंगे और दाल को बिल्कुल स्लो फ्लेम पे पकाएंगे। स्लो फ्लेम पे जब आप दाल पकाएंगे तो उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा बनेगा जब धीमे धीमे दाल बनती है। अब इस हम कुकर को कवर कर देंगे और इसमें दो से तीन सीटियां लगाएंगे बिल्कुल लो फ्लेम पे। चलिए कुकर को कवर कर देते हैं। दाल हमारी बनने के लिए तैयार हो रही है। देखिए हम आलू और बैंगन की सब्जी बनाने जा रहे हैं। यहाँ पे हमने दो आलूओं को, देखिए बड़े साइज के आलू थे, उनको चॉप कर लिया। यहाँ पे हम तीन लोगों के लिए लंच बना रहे हैं। और दो मीडियम साइज के बैंगन थे, टमाटर और हरी मिर्च, इसको भी हमने काट के रख लिया है। जब तक दाल हमारी रेडी हो रही थी यहाँ पे हमने सिरका बनाने लगे हैं। हम सिरके वाला प्याज, आटा हमारा बिल्कुल रेडी है। आटा मैंने पहले ही लगा के रख लिया था। देखिए दाल हमारी बिल्कुल रेडी है। तीन सीटियों के बाद मैंने गैस ऑफ कर दी थी। चलिए अब तड़के की तैयारी करते हैं।
दाल में मेरे तड़का बिल्कुल तैयार है लगाने के लिए। यहाँ पे लहसुन, सूखी मिर्चा और जीरे का तड़का लगाया है हमने और इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। मैंने यहाँ घी में घी का तड़का लगाया है। देखिए दाल मेरी बिल्कुल रेडी है और ये बहुत ही अच्छी लग रही है देखने में। चलिए अब सब्जी की तैयारी कर लेते हैं। तो सब्जी बनाने के लिए सेम कुकर रख दिया है हमने वॉश करके और इसमें अब हम तेल को ऐड करेंगे। यहाँ हम मस्टर्ड ऑयल में बना रहे हैं सब्जी, क्योंकि ये सब्जी मस्टर्ड ऑयल की ही अच्छी लगती है। कुकर हमारा गर्म हो गया है, अब इसमें हम डालेंगे तेल। और सब्जी का तड़का लगाने के लिए हमें चाहिए है सूखी मिर्च और मेथी दाना। तो यहाँ पे दो सूखी मिर्ची हमने ले ली है और मेथी दाना ले लिया है। देखिए ये बस इतना बहुत है सब्जी को तड़का लगाने के लिए। ज़्यादा मिर्च हमें नहीं लेनी क्योंकि हमने हरी मिर्च भी कट करके रखी है। तो तेल हमारा जब गर्म हो जाएगा तब इसमें हम मेथी दाना और सूखी मिर्च का तड़का लगाएंगे अपनी सब्जी में। अब इसको हम डाल देंगे। उसके बाद अब हम इसमें आलू डाल देंगे और जो हमने टमाटर और बैंगन और हरी मिर्चे को काट के रखा है वो भी साथ ही साथ हम इसमें डाल देंगे। ये बहुत ही अच्छी सूखी सब्जी बनती है और लंच के लिए तो बहुत ही परफेक्ट सब्जी है ये। सब कुछ इसमें ऐड कर देंगे, मिक्स कर देंगे। अब यहाँ पे हम डालेंगे नमक। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डालिए। यहाँ हमने सिंपल मसालों का यूज किया है, कोई एक्स्ट्रा मसाले हमने इसमें ऐड नहीं किए हैं। इसके साथ साथ आप इसमें ज़रा सी हल्दी डाल दीजिए बस कलर के लिए, तो बहुत अच्छा सा येलो कलर आएगा। मिक्स कर दीजिए। खूब अच्छे से मिक्स कर दीजिए। मेरे बच्चों को ये सूखी सब्जी आलू बैंगन की बहुत पसंद है। अब इसमें हम दो सीटी लगाएंगे, उसके बाद गैस को ऑफ कर देंगे। देखिए दो सीटियां हमारी आ गई। अब हमने गैस को ऑफ कर दिया था, फिर जब प्रेशर निकल गया तो हमने अपनी सब्जी को खोला। देखिए कितना प्यारा सा कलर इसमें आ गया है और ये सही में बहुत ज़्यादा टेस्टी सब्जी बनी थी, सिंपल मसालों की सूखी सब्जी आलू बैंगन की। और लास्ट में इसमें हम ऐड करेंगे हरा धनिया जो हमने काट के रखा हुआ है। तो फ्रेंड्स आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने लंच में। अगर मेरी ये लंच रेसिपी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो लाइक बटन क्लिक करना मत भूलिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बस थोड़ा सा भून लेंगे जब तक बिल्कुल बैंगन और टमाटर बिल्कुल आलू में मिक्स ना हो जाएं। देखिए अगर इसमें हम सीटी ज़्यादा लगा देंगे तो आलू फूटने का डर रहता है, इसलिए इसमें हम कम सीटी लगाते हैं, बाद में इसको हम भून लेते हैं। देखिए मेरी सब्जी बिल्कुल रेडी है, बहुत प्यारा सा इसमें कलर आ रहा है और इसका टेस्ट भी हल्का खट्टा टमाटर की वजह से बहुत ही अच्छा बना। एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए अब हम चावल बना लेते हैं। दाल और सब्जी हमारी रेडी है, अब हम चावल बना लेते हैं। यही इसी सेम कुकर में हम चावल फिर बनाएंगे। चावल थोड़ा सा हम लेट बनाते हैं, सबसे लेट, क्योंकि गरम गरम रहता है चावल जब मेरे बच्चे आते हैं स्कूल से लौट के। उसी ग्लास से हम चावल यहाँ पे नाप लेंगे। यहाँ पे हम दो ग्लास चावल बनाना था हमें, लेकिन मैंने थोड़ा सा उससे ज़्यादा बढ़ा दिया थोड़ा सा। और देखिए अब हम इसको वॉश कर लेते हैं इन चावलों को। चावल हमने वॉश कर लिए, अब हम इसको कवर कर देंगे और तीन सीटियाँ लगाएंगे बिल्कुल सेम फ्लेम पे। और दो सीटियाँ लगाने के बाद इसको हम खोलेंगे। देखिए चावल बिल्कुल मेरा रेडी है, अब मेरी रोटी बननी रह गई है सिर्फ। और रोटी मेरी बन जाएगी तो मेरे बच्चे बिल्कुल आ रहे होंगे तो उनके लिए रोटी भी मुझे तैयार करनी है। और जब मेरी रोटी बन जाएगी तो मेरा लंच बिल्कुल रेडी हो जाएगा। सो फ्रेंड्स मेरा ये वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो लाइक बटन क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और इसको आप लंच में इस सब्जी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर अच्छी लगेगी तो लाइक बटन क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।
अब इन रोटियों में हम लगा देंगे घी और अपने बच्चों की प्लेट को कर देंगे बिल्कुल रेडी।